नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे टेरेस किचन गार्डन पर। तो आज हम दोस्तों अपने टेरेस किचन गार्डन पर कुछ रूटीन वर्क कर रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज जो ग्रो बैग्स हैं जिनमें मिर्ची लगी है या और प्लांट्स लगे हैं, आज हम उनकी गुड़ाई कर रहे हैं। और इसी तरह दोस्तों हमने आज अपनी क्यारियों में पानी भी लगा रखा है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो ख़ास करके जो हमने क्यारियाँ बनाई हैं इन्हें पानी की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो आप देखिए कि हमने एक खेत की भांति दोस्तों इनको पानी लगा रखा है। देखिए, जैसे खेत में पानी लगा होता है उसी प्रकार हमने अपनी इन क्यारियों में भी पानी लगाया है। देखिए बहता पानी कितना बढ़िया लग रहा है। तो पानी की दोस्तों बहुत ज़रूरत है इन प्लांट्स को इन दिनों में। आप देखिए, जैसे हमारी जो यहाँ पर बेल है तो इसके पत्ते थोड़े से मुरझा गए हैं, इससे स्पष्ट है कि इसे पानी की बहुत ज़रूरत है। इसी तरह हम जो है जो दूसरी क्यारी में हमारी सब्जियां हैं जैसे भिंडी करेले, आज भी हम इनको पूरा भरपूर पानी लगाएंगे। दोस्तों मैंने यह शब्द क्यों यूज़ किया कि हम खेत की भांति पानी दे रहे हैं, हम ऐसा करते हैं कि हम हफ्ते में इनको जो है पानी एक बार पूरा जो है भर कर लगाते हैं। बाकी के दिन दोस्तों हम पानी इतना ज़्यादा नहीं इनको देते। तो अब ये हमारी क्यारी भर चुकी है, तो अब ये पाइप दोस्तों निकाल कर हम इस क्यारी में रख देंगे, क्योंकि हमारा मानना है कि हफ्ते में जो है एक दिन पानी जो है आपने अच्छे तरीके से देना है, पूरा भर के देना है। बाकी दिन आपने दोस्तों पानी उतना ही देना है जितनी ज़रूरत है, आपने ज़्यादा गीला नहीं करना, बेशक आपको पानी चाहे रोज़ देना पड़े। अब दोस्तों बात करते हैं कि गुड़ाई की क्या ज़रूरत होती है। मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे आप देखिए, अगर बात करें इस ग्रो बैग की मिट्टी की, तो आप देखिए ये यहाँ पर पूरी तरह से जम चुकी है, क्योंकि गर्मियों में हमें पानी जो है रोज़ाना लगाना पड़ता है। तो गुड़ाई के बाद दोस्तों देखिए, मिट्टी जो है मुलायम हो जाती है। मुलायम मिट्टी प्लांट्स को हमेशा ही पसंद होती है, क्योंकि ग्रो बैग या गमले दोस्तों ऐसी चीज़ है जिसमें लिमिटेड स्पेस होती है किसी प्लांट्स के ग्रो करने के लिए। तो एक तो दोस्तों मिट्टी मुलायम होगी जिससे कि आपका प्लांट जो है बढ़िया ग्रो करेगा, और दूसरी बात क्या है कि आप जब गुड़ाई करते हो तो आप ऐसे जो है मिट्टी अपने प्लांट में लगा देते हो, जब हवा कोई तेज आएगी तो इससे आपका प्लांट जो नीचे नहीं गिरेगा, मिट्टी से वो प्लांट जो है वो अच्छे तरीके से खड़ा रहता है। दोस्तों गुड़ाई करने का तीसरा जो मोटिव ये रहता है कि अगर आपके प्लांट्स में वीड्स वगैरह उगे हैं, देखिए ऐसे हमारे पॉट्स में वीड्स वगैरह जो उगाते हैं, जब हम इनकी गुड़ाई करते हैं तो ये वीड्स बाहर निकाल दी जाते हैं। ये आपके प्लांट के हिस्से का जो भी मटेरियल है या कह लीजिए उस हिस्से की जो भी ताकत है, ये वीड्स खींचने लग जाते हैं, इसलिए गुड़ाई बहुत ज़रूरी है। एक बात और, अगर आपने ग्रो बैग्स में प्लांट्स लगा रखे हैं तो आप देखिए कि ग्रो बैग्स के लिए गुड़ाई करनी क्यों ज़रूरी है। जब हम इसमें पानी डालते हैं तो मिट्टी जो है इसकी जमने लग जाती है। जब मिट्टी जमती है अंदर, तो आप देखें कि ग्रो बैग्स के साइड से जो है स्पेस बननी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों जब ये स्पेस बन जाती है, इससे क्या होता है कि जब भी आप अपने प्लांट्स को पानी डालते हो तो पानी प्लांट्स को नहीं लगता, इस स्पेस से पानी जो नीचे निकल कर ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाता है, जिससे कि आपके प्लांट को सफिशिएंट पानी नहीं मिल पाता। तो आप देखिए कि इस ग्रो बैग की गुड़ाई हो चुकी है, इस ग्रो बैग की मिट्टी की गुड़ाई हो चुकी है। तो देखिए इससे जो साइड वाली स्पेस है गुड़ाई करने से वो ख़त्म हो चुकी है। अब आप जो भी इसमें जब भी वाटरिंग करेंगे तो प्रॉपर आपके प्लांट्स को पानी मिलता रहेगा। और दोस्तों आगे देखिए, हमारी जो ये वाली क्यारी है वो भर चुकी है। तो इस तरफ हमने जो भिंडियाँ लगा रखी थी, बाकी आपके मन में सवाल आता होगा कि ऐसे जो क्यारी बनाने से छत पर कहीं नीचे जो है सीलन वगैरह तो नहीं जाती। दोस्तों बिल्कुल नहीं, इन क्यारीस में हमने जो है वॉशरूम वाली दोस्तों टाइल्स लगा रखी हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि जो ऊंची-ऊंची बिल्डिंगें होती हैं उसमें कितने सारे वॉशरूम वगैरह होते हैं, उन सब में जो है वॉशरूम वाली टाइल लगी होती है जिससे कि पानी नीचे वाली छत को प्रभावित नहीं करता। हमने यही फॉर्मूला जो है अपनी छत पर, अपने टेरेस किचन गार्डन पर भी अपना रखा है। तो आप देख सकते हैं कि हमने अपने इस जो है क्यारी को पूरे तरीके से भर दिया है, फिर भी जो पानी नीचे छत को असर नहीं करेगा।
अब दोस्तों बात आती है कि गुड़ाई आपने कितने दिन बाद करनी है, ये डिपेंड करता है आपके सीजन पर। अगर सर्दियां हैं तो दोस्तों गुड़ाई हमें हर जो है हफ्ते बाद कर लेनी चाहिए। अगर दोस्तों गर्मी है तो गुड़ाई आपको हर 15 से 20 दिन में करते रहना चाहिए। और दोस्तों गुड़ाई करते वक्त आपने थोड़ा ध्यान रखना है कि कई बार हमारे साथ भी ऐसा हुआ है कि हमने जल्दबाजी में दोस्तों गुड़ाई कर दी और हमसे जो है वो रूट्स जो है वो डैमेज हो जाती हैं प्लांट्स की, जिससे कि आपका एक ऐसे बढ़िया तरीके से जो भरा हुआ प्लांट है वो खत्म हो जाता है। तो दोस्तों बड़े ध्यान से आपने गुड़ाई करनी है। गुड़ाई करते वक्त आपने प्लांट को ज़्यादा नहीं हिलाना। दोस्तों ये जो गुड़ाई करने वाला टूल है ये बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। देखिए कि मात्र जो है इसकी चौड़ाई तकरीबन 1.5 इंच ही है। इससे क्या है कि इससे आपके एक तो ग्रो बैग को नुकसान नहीं पहुंचेगा और दूसरा ये बढ़िया तरीके से आगे तक पहुंच के गुड़ाई कर लेगा। बस आपने ध्यान रखना है कि इसके रूट्स को जो है वो नुकसान नहीं होना चाहिए। बाकी दोस्तों आपने गुड़ाई करने के तुरंत बाद पानी नहीं देना है। हमारे कई गार्डनर भाई बहन क्या करते हैं कि जैसे ही वो ऐसे पौधों की गुड़ाई कर लेते हैं तो वो जल्दी से पानी लगा देते हैं। बिल्कुल आपने ऐसा नहीं करना। आपने तकरीबन गुड़ाई करने के बाद एक दिन की धूप दोस्तों ज़रूर लगानी है, या कह लीजिए अगर आपने गुड़ाई सुबह की है तो आपने शाम को पानी देना है। उससे क्या होता है कि जब आप गुड़ाई करते हो जो वीड्स अगर आपने बाहर प्लग कर दी तो बहुत बढ़िया, अगर कुछ वीड्स बीच में रह जाती हैं दोस्तों वो जो उनकी रूट्स हैं वो सूख जाएंगी, जिससे कि वो वीड ख़त्म हो जाएगी। इसलिए आपने उसी वक्त पानी नहीं देना। तो दोस्तों हमने लगभग अपने सभी प्लांट्स की गुड़ाई कर ली है, तो आज हम इनको जो है ग्रीन नेट दोस्तों थोड़े टाइम के लिए, हम आधे घंटे के लिए जरूर हटाएंगे। जब ज़्यादा गर्मी है तो आधा घंटे की धूप लेने बहुत है, उसके बाद हम दोस्तों शाम को जो है इनको पानी लगाएंगे। बाकी दोस्तों गुड़ाई का और क्या ज़्यादा बेनिफिट है मैं आपको कंपैरिजन करके दिखाता हूँ। आप देखिए कि जो इस ग्रो बैग में जो हमारा मिर्ची का प्लांट है देखिए कितना बढ़िया बना है, और इधर जो हमारे ग्रो बैग में मिर्ची का प्लांट है दोस्तों ये भी बढ़िया तरीके से जो फला फूला हुआ है। पर अगर आप बीच वाली दोस्तों मिर्ची के प्लांट को देखें तो इसकी ग्रोथ उन मिर्ची के प्लांट्स के मुकाबले कुछ ज़्यादा बढ़िया नहीं है, जबकि इसको हमने 12x12 इंच का ग्रो बैग का पॉट भी लगाया हुआ है। दोस्तों कहने का भाव है कि इस ग्रो बैग के जो ड्रेनेज होल बंद हैं, जब भी हम इसको पानी देते हैं दो तीन दिन पानी सूखता ही नहीं है। तो दोस्तों आज हम इसका भी ट्रीटमेंट करेंगे, इसकी पूरी जो है नीचे तक गुड़ाई करेंगे, इसको पूरा एक दिन जो है हम हवा लगने देंगे इसकी मिट्टी को, जिससे कि ये जो मिर्ची का प्लांट है बढ़िया तरीके से हो जाएगा, क्योंकि देखिए ज़्यादा पानी रुकने से भी इसका जो है नुकसान हो रहा है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि कोई भी काम जब आप शिद्दत से कर रहे हो तो थोड़ी बहुत तकलीफ आपको आ सकती है। तो मेरा बताने का यही मतलब था कि अगर आपने ऐसे दोस्तों ड्रम्स में कोई चीज़ लगा रखी है तो जो इसके ये वाले किनारे हैं दोस्तों बहुत तीखे होते हैं, तो आपने जब भी इसमें गुड़ाई वगैरह करनी है तो आपने ध्यान रखना है कि गुड़ाई करते वक्त ऐसे आपका हाथ को नुकसान ना हो पाए, तो आप थोड़ा सा ध्यान से गुड़ाई कीजिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में केवल इतना ही। हमने आपको बताया कि आज हम अपने टेरेस किचन गार्डन पर कौन सा जो है रूटीन वर्क कर रहे हैं। हमने अपने गमलों की गुड़ाई कर दी, अपने ग्रो बैग्स जिनको गुड़ाई की ज़रूरत थी, क्यारियों को भरपूर पानी दे दिया। बाकी दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल वाला आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली नई वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नई वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ। तब तक आप सभी को प्यार भरा नमस्कार और सत श्री अकाल।